दोस्तों, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज हो जाती है कि हम किस तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हमें एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने हैं। और एक बात तो आप गांठ बांध लो कि सिर्फ 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि सिर्फ मेहनत से अच्छे रिजल्ट नहीं आते, मेहनत के साथ साथ कुछ और भी जरूरी चीजें होती है जो हमें अच्छे परसेंटेज दिलाने में हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, लेकिन बहुत ही जरूरी चीजें बताऊंगा जो आपको अच्छे परसेंटेज दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों, उन्हें लगता है कि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि दोस्तों जो टॉपर होते हैं वो यही सब चीजों का यूज करके वो एग्जाम में टॉप करते हैं। टॉपर कभी भी 10 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से पता होता है कि 10 घंटे पढ़ना 15 घंटे पढ़ने से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ये करो इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। सबसे पहली चीज, रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे अगर आप हिस्ट्री में कोई आंसर याद कर रहे हो तो आप उस आंसर को रटो मत, बल्कि उस आंसर को समझने की कोशिश करो कि यह आंसर कहना क्या चाहता है। अगर आप उस इस चीज को समझ जाओगे तो आप बड़े ही आसानी से उस आंसर को याद कर लोगे दोस्तों, और फिर उसे एग्जाम में अपने लैंग्वेज में बना करके भी लिख के भी आओगे दोस्तों। और इसके ठीक उल्टा, जब आप उस आंसर को याद करने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, तो एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, और गलती से अगर आपको याद भी हो गया दोस्तों तो आप फिर अगले दिन उसे भूल जाओगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को रटते हैं ना दोस्तों तो वो हमें आसानी से भूल जाते हैं। और उसके ठीक विपरीत, जब हम समझ जाते हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं उस चीज को, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। दूसरी चीज है कि रात में सोने से पहले ये डिसाइड कर ले कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तब वो सोचते हैं कि यार मैं क्या पढ़ू, मैथ पढ़ू, साइंस पढ़ू, सोशल पढ़ू, इस वक्त इंग्लिश पढ़ू, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ू, तो उससे उनका बहुत ज्यादा समय निकल जाता है। तो इससे पहले क्या, इससे अच्छा है कि आप रात में ये डिसाइड कर ले कि मुझे कल सुबह मॉर्निंग में पहले मैथ पढ़ना है, फिर दोपहर में साइंस को पढ़ना है, फिर रात में इंग्लिश को पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे तो एक तो आपकी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करोगे, और दूसरा क्या होगा, ये आपके समय को बहुत ज्यादा बचाएगा। आप एक रूटीन में रहोगे, एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करोगे, तो इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी दोस्तों। तो आपको ये काम करना है। तीसरी चीज है कि आपको 7 दिन की प्लानिंग करके आपको पढ़ाई करना है। 7 दिन की प्लानिंग का मतलब है कि देखिए, आपको ना ये पहले डिसाइड कर लेना है कि मुझे ना अगले 7 दिन तक मैं साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, मैथ के 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, जितना भी हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखना। तो मुझे साइंस के 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, मुझे मैथ के 1 चैप्टर, इंग्लिश के 2 चैप्टर पढ़ लेने हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे ना दोस्तों, तो एक तो आपके सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट होगे, और दूसरा ना आपको पढ़ने में भी मजा आएगा दोस्तों। अगर वो बॉक्सेस टिक होती जाएगी ना, तो आपको दोस्तों अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, फिर और ज्यादा आप मेहनत करोगे और आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे दोस्तों। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। फोर्थ पॉइंट है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। देखिए, जब हम नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं ना, तो ये हमें समय को बहुत ज्यादा बचाता है। आप जरा सोचिए कि आपके एग्जाम नजदीक है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है, और आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो, बुक से आप रिविजन कर रहे हो, तो ये आपके कितनी ज्यादा समय को वेस्ट करेगा। आपके आप पलट रहे हो, पेजेस पलट रहे हो, आपको एक टॉपिक ढूंढना, दूसरे टॉपिक में कितना टाइम लगेगा आपको। और वही नोट्स में क्या होता है, हमारी सारी चीजें समराइज होती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है हम नोट्स में लिख करके रखते हैं, और वो हमारे एग्जाम टाइम में हमारे समय को बहुत ज्यादा बचाता है जब हम रिविजन करने दोबारा आते हैं। तो आपको नोट्स जरूर बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।